गुलाम फखरुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह ताला ने आपके बारे में आता है कि आप बड़ी मोहब्बत, बड़ा इश्क और बड़ा प्यार रखा करते थे बारगाह मुस्तफा अलैहि तहियतुल सलाम का। कौन है जिसके दिल की तमन्ना ना हो गुम्बद खजरा के जलवे हो हमारी आंखें हो, कौन है जिसकी यह चाहत ना हो मुस्तफा करीम के दबारे की सुनहरी मुबारक जारियां हो और हमारी की आंखें हो और जुबानों पे नबी हो सलातो व सलाम हो अली का या रसूल अल्लाह। आप जब हजरत ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह ताला ने दर मुस्तफा करीम के हाजिरी देने के लिए पहुंचे, इधर बाबू सलाम से दाखिल हुए, सुनहरी जारियों के सामने आए, चंद सेकंड्स के लिए रुके, बाबे जी ग्रिल से आगे गुजर गए, मुरीदीन मोतकदीन किसी ने पूछा उगरे वाला हम तो सोच रहे थे जितनी तड़प और तलब के साथ जा रहे हैं आप पता नहीं कितना वक्त वहां पे गुजारेंगे। आप फरमाने लगे थे क्या तुमने कुरान उस पैगाम को नहीं समझा, ला तरफाउ अस्वातकुम फौक सौती नबी, फरमाया मैं जब सुनहरी जालियों के सामने आया मैंने सांस को ऊपर खींच के रोक लिया, जरा रोक के तो देखे 10 सेकंड 20 सेकंड 30 40 सेकंड, फरमाते हैं जब तक सांस को रोक सका सुनहरी जालियों के सामने रहा, जब समझा कि सांस टूटने लगी है मैंने न चाहा सांस बहाल होने की वजह से जो आवाज पैदा हो उस आवाज से भी मुस्तफा करीम के दरबार की बेअदबी हो, मैं सुनहरी जालियों के पास से गुजर गया और सांस जाके पार लिया। और फिर आपने तारिक साहब रुपाई वहां पर बयान फरमाई बाबे की ब्रीद के पहलू में जरा धीरे से, बाबे की ब्रीद के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, अपनी पलकों से तेरे यार पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई उम्र भर का सरमाया गया।